अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल की एक रेसिपी, जिसके लिए मैंने इस चने दाल को 5 से 6 घंटा भिगा के रखा था और इसके पानी को ड्रेन करके इसे वॉश कर लिया। इसमें हम ऐड करेंगे 6 से 7 दाना लहसुन और 10 से 12 दाना हरी मिर्च। इसे हमें एक साथ मिक्सर जार में पीसना है। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते, लेकिन मैंने ये परफेक्ट तीखे के हिसाब से लिया है। ये हमारा पीस के हो गया है। ये देखिए, हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, इसे दरदरा पीसना है। इसी के साथ इसमें जाएगी 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। और ये 1/2 छोटा चम्मच जीरा, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होगी। हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमारा मिक्स करके हो गया है, तो हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसे हमें जिस तरह हम भजिया तेल में ऐड करते हैं, उसी तरह इसे छोटा छोटा करके हमें इसे गर्म तेल में ऐड करना है। फ्लेम को हम अभी हाई रखे हैं। कोई भी चीज़ जब हम फ्राई करते हैं, उसे 30 से 40 सेकेंड तक हमें तेल में उसे नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ की कोटिंग लगी तो वो कोटिंग हिल सकती है या उसका शेप बिगड़ सकता है। हमें इसी तरह से इसे चलाते हुए तेल में पका लेना है और फ्लेम को हाई और लो करते हुए हमें इसे बनाना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बना है ये हमारा। मैंने इसे 2 शेप में बनाया है, एक इस तरह इस शेप में और एक राउंड शेप में बनाया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आपका दिल चाहे आप ये शेप में बनाएं, वो शेप में बनाएं, खाने में तो एक ही है, टेस्टी लगेगा। बच्चों की दिलचस्पी बस बढ़ जाती है खाने में इसे देखकर। तो दोस्तों, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने इस हरी चटनी और इमली की चटनी भी अपने चैनल में शेयर किया है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा, इसके साथ इसका लुत्फ़ उठाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।